वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं को ले जा रही बस पर रविवार शाम को मोदी के शपथ ग्रहण से एक घंटे पहले 6:15 बजे हमला किया। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई है जबकि 33 लोग घायल हुए हैं। रियासी की एसएसपी मोहिता शर्मा के मुताबिक आतंकियों ने कंदा इलाके में शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर ओपन फायर किया जिसमें ड्राइवर घायल हुआ और उसका बस से कंट्रोल खो दिया गया। इसके चलते ही बस खाई में गिरी और चश्मदीदों के मुताबिक 2 आतंकी घटना स्थल पर थे। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सरकार 10 लाख रुपए तक का मुआवजा देगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की भी सहायता राशि दी जाएगी। वहीं घायलों की मदद के लिए घटना स्थल के पास ही कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। मौके पर पुलिस, आर्मी और CRPF की संयुक्त अस्थायी सुरक्षा बल टीम तैयार कर हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं सर्च ऑपरेशन के लिए अलग से 5 टीमें भी बनाई गई है। वहीं NIA की टीम भी जांच के लिए घटना स्थल पहुंच गई है। ये लगभग 6 बजे के करीब एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टूवर्ड्स रियासी जा रही थी, तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और जेएनके पुलिस साथ में सिविल्स, लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। 9 पीपल आर रिपोर्टेडली डेड एंड 33 वर इंजर्ड। उनका अभी भी इलाज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। हाँ जी, ड्रोन्स वगैरह ड्रोन्स भी यूज हो रहे हैं। हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं जो कि ये सारे एडजॉइनिंग आप देख ही रहे हैं। ये काफी फॉरेस्टेड एरिया है, काफी हाइट में है ये, पीछे की जितनी भी पीक्स हैं। इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है, रजौरी का बॉर्डर है ये, और वहां पे भी हमारी SOG की टीम साथ में CAPF और हमारी जेएनके पुलिस, हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कॉम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले।